जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए जीके जीएस का एक छोटा सा मॉक टेस्ट को लेकर आए हैं। अगर आपको इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो आज के इस 30 प्रश्न में से कम आपको 15 प्लस सही स्कोर करना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज किस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, भारत गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इसका सही जवाब है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न शहरों में से कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देने हैं। तो निम्न शहरों में से कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। याद रखना ऑप्शन बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कर्क रेखा जो है यह 23.5 डिग्री, याद रखना है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखना है कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बह रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बह रही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी याद रखना है मुल्ताई से निकलती है। मुल्ताई कहां है, मध्य प्रदेश में, याद रखना है ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार सबसे पुराना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे भू हो जाएगा, टाइपिंग इरर है, भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार सबसे पुराना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरावली जो है ये भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार सबसे पुराना पर्वत है। याद रखना ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके 30 प्रश्न में से कम 20 से 25 प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं तो आपको अभी से तैयारी में लगना होगा, तभी आप आगे जाकर बिहार पुलिस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको तैयारी करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हर रोज रात 8 बजे लाइव चैट के साथ इसी चैनल पर बिहार पुलिस का क्लास चलता है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपको हर रोज रात 8 बजे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, गंगा के मैदानों के उत्तर में हिमालय की पहली श्रृंखला कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, गंगा के मैदानों के उत्तर में हिमालय की पहली श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक का, याद रखना है ऑप्शन बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शिवालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल ये देहरादून में, याद रखना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा देहरादून में। नेक्स्ट है, मौसम की अधिकांश घटनाएं खाली स्थान में होती है। फटाफट से आंसर करेंगे, मौसम की अधिकांश घटनाएं किस मंडल में होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मौसम की अधिकांश घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षोभ मंडल का अंग्रेजी में नाम है ट्रोपोस्फियर, याद रखना है अंग्रेजी के नाम भी याद रखना है, कभी कभी आपको ऑप्शन अंग्रेजी में दिए जाते हैं। तो मौसम की अधिकांश ट्रोपोस्फीयर में होती, यानी कि क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या देगा, जी बिल्कुल 8 का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जलेपला एक उच्च ऊंचाई वाला पर्वतीय दर्रा है, यह कहां स्थित है। फटाफट से आंसर करेंगे, जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, जी बिल्कुल ये सिक्किम में स्थित है। एक दर्रा और पूछा जाता है, याद रखना है नाथुला, नाथुला दर्रा भी सिक्किम में ही है, जलेपला और नाथुला दोनों ही सिक्किम में है। नेक्स्ट है, भारत में सभी मृदा में कौन सी मृदा सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत बार ये प्रश्न बिहार के एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में सभी मृदा में कौन सी मृदा सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा, याद रखना ऑप्शन बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगभग 43% पर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है।
चलिए तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये डेनमार्क के पास है, याद रखना है ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क के पास स्थित है। नेक्स्ट है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, सोच समझ का आंसर करना है। चलिए दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किसके मध्य से होकर नहीं गुजरती है, फटाफट से आंसर करेंगे, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। यहां पे बोला जा रहा है कि भूमध्य रेखा जो है इन चारों ऑप्शन में से किसके मध्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर बी के साथ लगेगा, नाइजीरिया से होकर नहीं गुजरती है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है सभी से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और सेशन के खत्म होते ही सेशन को जरूर शेयर करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में से अन्य प्रकारों की तुलना में कार्बन का उच्च प्रतिशत होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल एंथ्रासाइट हो जाएगा, इसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है और पीट जो है ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह का उदाहरण है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह का उदाहरण है, तो पृथ्वी जो है ये स्थलीय ग्रह का उदाहरण है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइटन किसका सबसे बड़ा चांद है, फटाफट से आंसर करेंगे, टाइटन जो है किस ग्रह का सबसे बड़ा चांद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह, शनि ग्रह का चांद है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश को दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है, फटाफट से आंसर करेंगे, किस देश को दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्यूबा को, याद रखना है क्यूबा को देश का, क्यूबा को दुनिया का चीनी कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, फटाफट से आंसर करेंगे, सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा अटाकामा मरुस्थल, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो बार भूमध्य रेखा को पार करती है, फटाफट से आंसर करेंगे, सारे प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर लिए गए हैं इसलिए आपको सोच समझ का आंसर करना है और आपको हर हाल में 20 से 25 स्कोर करना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल कांगो, कांगो जो है ये भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है, फटाफट आंसर करते जाएंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को, याद रखना ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह अगर पूछे तो बुध हो जाएगा, याद रखना है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है लेकिन सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र हो जाएगा, दोनों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, चिल्का झील क्षेत्र के डेल्टा के बीच स्थित है, फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है, चिल्का झील क्षेत्र के डेल्टा के बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, महानदी और गोदावरी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चिल्का याद रखना है, चिल्का एक प्रकार का लैगून झील है जो कि उड़ीसा राज्य में पूछा जाता है कि चिल्का किस प्रकार का झील है, तो लैगून झील है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, फटाफट से आंसर करेंगे, चलिए निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी को, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोदावरी को। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में होती है, सोच समझ का आंसर करना है। चलिए देखिए आपके ऑप्शन में इंग्लिश में नाम दिए गए हैं स्ट्रेटोस्फीयर और दे दिए हैं मेसोस्फीयर, तो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और स्ट्रेटोस्फीयर का हिंदी क्या होता है, तो क्षोभ मंडल होता है, याद रखना है इसका हिंदी क्या है, क्षोभ मंडल में वायुमंडल, क्षोभ मंडल में ओजोन परत होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जेट स्ट्रीम आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे, जेट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पछुआ पवन, यानी कि पूछा जा रहा है पछुआ पवन आमतौर पर कहां पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा जी, बिल्कुल 25 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ट्रोपोपॉज, याद रखना ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ट्रोपोपॉज जो है याद रखना है ये ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच लाइन है, याद रखना है ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच ये ट्रोपोपॉज पाया जाता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की लाइन है ट्रोपोपॉज, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सोच समझ का आंसर करना है, और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे।
तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, याद रखना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से ग्रहों की दूरी का आरोही क्रम क्या है, फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स याद रहे, आपको भूलना नहीं है, हर रोज रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट करना है बिहार पुलिस के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या जाएगा, जी बिल्कुल 27 का राइट आंसर क्या जाएगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि हो जाएगा। ये आरोही क्रम है ग्रहों के, याद रखना है सूर्य से ये ग्रहों के आरोही क्रम है, पहले पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर शनि हो जाएगा आरोही क्रम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बौना ग्रह कहा जाता है, यानी कि किसे बौना ग्रह कहा जाता है, सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका सही जवाब क्या देगा, प्लूटो को, प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रहों के अधिकांश भाग की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे, यानी कि क्षुद्र ग्रहों के अधिकांश भाग की कक्षाओं के बीच कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा ए के साथ, मंगल और बृहस्पति, खासकर इस प्रश्न को याद रखना इंपॉर्टेंट है, मंगल और बृहस्पति पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे, कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आपने सी को दिया तो बिल्कुल सही जवाब देगा, टोटल 7 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब देगा पद्मा के नाम से, पूछा गया प्रश्न याद रखना इंपॉर्टेंट है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आज के सेशन में ये 31 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, उम्मीद करेंगे आप लोगों ने टारगेट को पार कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।